वहीं औरैया में फिल्मी अंदाज में चोरी करने की एक घटना सामने आई है। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र में यमुना रोड पर स्थित एक लोहे के व्यापारी की घर में लोग शिरडी गए थे। वहीं मौके पर फायदा उठाकर एक चोर घर में घुस गया और बुजुर्ग दंपत्ति को धमकाकर अलमारी खोलने को कहा। जब बुजुर्ग दंपत्ति ने चाबी न होने का हवाला दिया तब चोर ने अपनी जेब में रखी चाबी ही, जो कि चोर स्वयं लेकर आया था। चोर ने अलमारी में रखे 500 रुपए की गड्डी, लगभग 5 लाख रुपए और सोने की चैन लेकर फरार हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस को बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि चोर ने कसम खिलाई कि किसी को भी घटना के बारे में ना बताए, साथ ही एक कागज में लिखवाया भी कि पुलिस को सूचना ध्यान दे। वहीं पुलिस अनोखे चोर की अब तलाश में जुटी हुई है। 5 लाख रुपया एक जंजीर। किसने की है, कितने बजे घटना हुई है? 8 बजे आ गया था, तभी 20 रुपए निकाल रहा सब, और 100-100 के नोट हटे, वो गड्डी वो अपने आप गिन के रख के वो बोली ले दो, और एक अंगूठी हटी वहाँ में, हम जो पहने थे तो हम पहने रहे, इससे कोई नहीं बोला। कितने रुपए की चोरी हुई? 5 लाख। आप लोग में से कौन कौन थे? हम ही दोनों लोग। बाकी लोग कहाँ गए हुए थे? हमारे लड़का सरनी साईं बाबा गया परसों का। चंद गुरवार जी हैं जो बुजुर्ग हैं, उनका आयरन का व्यापार है। इनके लड़के दीपचंद पुरवार गए हुए हैं शिरडी घूमने के लिए, तो कमलचंद पुरवार और उनकी पत्नी अकेले घर पर थी। 2.5 महीने पहले इनके घर से इनकी अलमारी की चाबी गायब हुई थी, जिसमें ये रुपए वगैरह रखते थे। कल जब ये लोग घर बंद करके सो रहे थे तो चुपके से कोई अज्ञात व्यक्ति जो गायब चाबी थी उस चाबी के साथ घुस गया इनके घर में, और उनसे कमलचंद पुरवार जी की पत्नी से कहा कि इस अलमारी में रुपए जो रखे हैं वो मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि चाबी नहीं है, उसने चाबी इनको दिया, कहा ये लो चाबी और रुपए निकालो। तो उसमें जो बड़ी नोट के थे बंडल वो लेके गया है, बाकी बंडल भी छोड़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/